Hello dear students of class 6. Today we will start the chapter number 6 that will be very important for you, and this chapter is also coming in the test. So in this chapter number 6 in the class 6 English, after completing the chapter number 3 को फिनिश करने के बाद हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर 6 पढ़ना है. हमारे चैप्टर 4 और 5 अभी इंक्लूडेड नहीं है. हम डायरेक्ट चैप्टर किस पर आएंगे, 6 पर आएंगे हम चैप्टर पर. इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले बिफोर यू रीड की बात करते हैं. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में आप ध्यान दीजिए. हम पढ़ते हैं इस लेसन की जो बेसिक नॉलेज है उसको पता करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या मिलने वाला है. इन दिस लेसन, इस चैप्टर के अंदर वी लुक, हम देखते हैं एट व्हाट वी आर लाइक, हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो हमें पसंद है. यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें ये मिलने वाला है कि कौन से बच्चे जो होते हैं उनको किस तरीके की चीजें पसंद होती है, उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड हाउ और कैसे ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, और हम पता करेंगे कैसे जो है हम लोग आपस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, किस तरीके से हम अलग अलग चीजों को पसंद करते हैं. वी और आल, हम सब इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम सब जो है हमारे जो इंटरेस्ट है, हम जानते हैं किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को रनिंग करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है. तो हम सबका जो हमारा इंटरेस्ट है वो सब अलग अलग तरीके से होता है. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग, और हो सकता है कि हम उन चीजों में माहिर भी हों. एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वॉट आर यू लाइक एंड वॉट यू इंजॉय डूइंग. जहां पर हम पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं इसे, यहाँ आपको उसके बारे में सोचना है कि किस तरीके से आप चीजों को लाइक करते हैं और कैसे आपकी अपना अपना एक इंटरेस्ट है. आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का जो नेम है वो है हु आई एम, मैं यहाँ पर निकलता है, मैं कौन हूँ उसके बारे में अपन पढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 6 हमारा यहाँ हम जो देखने जा रहे हैं, इट इज बेसिकली द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. एंड द फर्स्ट कंडीशन इज दैट, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम. यहाँ पर आपको एक पिक दिखाई दे रही है और उसके साइड में जो है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है वो है राधा. हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं राधा के बारे में. सबसे पहले यहाँ पर राधा के बारे में हमारे सामने आता है, राधा के बारे में हम पढ़ते हैं. राधा कहती है माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज, यानी कि मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है ट्री पर चढ़ना. क्लाइंब का जो मतलब होता है वो होता है चढ़ना, है ना. और यहां मैं लिख देता हूँ क्लाइंब, क्लाइंब यानी होता है क्या, चढ़ना, क्लाइंबिंग. यानी कि राधा को जो है पेड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है. जस्ट आउटसाइड अवर हाउस, हमारे घर के बाहर ही, देयर इज ए मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री है, विच आई लव टू गो अप, जो कि मुझे बहुत पसंद है और जिस पर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है और मैं उस पर ऊंचे तक चढ़ जाती हूँ. इट्स ब्रांचेज, ब्रांचेज जो होती है वो होती है शाखाएं. आप जानते हैं ब्रांचेज, ब्रांचेस का मीनिंग होता है शाखाएं, शाखाएं जो ट्री की होती है ना. जैसे कि ये मान लीजिए एक आपका ये ट्री हो गया, तो इसके डिफरेंट ब्रांचेस जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, निकली हुई होती है ना. तो ब्रांचेस स्प्रेड आउट चारों तरफ फैली हुई है. सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्रीज, जो उसकी ब्रांचेस फैली हुई है, कोई ब्रांच नीचे होती है तो मैं उनके सहारे उस ट्री के टॉप तक चढ़ जाती हूँ. एंड आई कैन सीट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस, और मैं आसानी से क्या कर लेती हूँ, कंफर्टेबली, जो आपने देखा होगा कि पेड़ की इस तरीके से कहीं ना कहीं दो ब्रांचेस जो है उनके बीच की जो गैप होती है वहां मैं आसानी से जाकर बैठ जाती हूँ, उसे हम बोलते हैं फोर्क, जो दो ब्रांचेस के बीच का एक कॉमन पॉइंट होता है वहां पर. माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल फॉर द गर्ल्स टू क्लाइंब अप द ट्रीज, मेरी माता मुझे कहती है, मेरी माँ ने मुझे समझाया कि लड़कियों के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो ट्री पर ऊपर जाए और वहां पर चढ़ के बैठ जाए. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन थोड़ी देर बाद ही, कुछ समय बाद ही, वो भी, मैं यानी कि वो बता रही, मेरी माँ भी यानी कि मेरी माता जी भी, मेरी मम्मी भी मेरे साथ साथ क्या होती है, उस पेड़ पर चढ़ जाती है. ठीक है ना, पहले क्या बोलती है कि इट इज नॉट सेंसिबल फॉर द गर्ल्स टू क्लाइंब द ट्रीज, कि गर्ल्स के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो पेड़ों पर चढ़ जाए. बट वन आफ्टरनून, लेकिन कुछ समय बाद ही, शी क्लाइंब्ड अप टू, वो भी मेरे साथ साथ क्या हो जाती है, चढ़ जाती है.
एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर, और हम दोनों जो है वहां पर बैठते हैं। सेट सीट का सेकंड फॉर्म सेट हो गया। टॉकिंग एंड ईटिंग, हम बातें करते हैं और खाते हैं। क्या खाते हैं? रॉ मैंगोस। रॉ मैंगोस यानी कि कच्चे आम। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं ट्री पर बहुत ऊंचे पर होती हूँ यानी हाई पीक पॉइंट पर होती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आई फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, जैसे कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही हूँ, पूरी दुनिया को चला रही हूँ। ये हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था वो राधा का पढ़ा था। राधा के इंट्रोडक्शन के बारे में हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। राधा को क्या करना पसंद है? राधा को क्या करना पसंद है? पेड़ों पर चढ़ना पसंद है। राधा जो है ब्रांचेस के सहारे कहाँ चढ़ जाती है? पेड़ के ऊंचाई तक पहुंच जाती है। और उसकी माँ उसके कहती है कि ये उनको शोभा, लड़कियों को शोभा नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ भी उसके साथ साथ पेड़ पर चढ़ जाती है। दोनों एक साथ पेड़ पर बैठ के कच्चे मैंगोस, रॉ मैंगोस जिसको बोलते हैं अपन, रॉ यानी कि कच्चा, है ना, कच्चे यानी कि पके हुए नहीं होते हैं, कच्चा आम जो है वो दोनों खाते हैं। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी दुनिया पर, वहां पर जैसे वो पेड़ के ऊपर ही ऊपर चढ़ जाती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मानो दुनिया पर क्या कर रहे हो, राज कर रहे हो। ये इंट्रोडक्शन जो था, ये है हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था राधा का। इसके बाद जो हमारा सेकंड इंट्रोडक्शन आ रहा है वो हम पढ़ते हैं। द सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज नासिर, एंड नासिर सेज दैट व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई ग्रो अप, ग्रो यानी बड़ा होना, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, मैं बड़ा होकर सीड कलेक्टर बनूंगा यानी कि बीजों को संरक्षण करने वाला, रखने वाला, प्रिजर्व करने वाला, है ना। क्यों ऐसा नासिर क्यों सोचता है? वी हैव ए कॉटन फील्ड, हमारी एक कॉटन फील्ड है इन अवर विलेज, हमारे गांव में। एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स, मेरे पिताजी हर साल कॉटन के जो सीड्स होते हैं उनको खरीदने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उस पर बहुत सारे पैसे को खर्च कर देते हैं। स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे ग्रैंड फादर ने मुझे कहा दैट मेनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ऑन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो वो ये कहता है कि मेरे ग्रैंड फादर जो है उन्होंने मुझसे कहा, टोल्ड मी, कि कुछ कई सालों पहले वो जो है वो क्या कर लेते थे, बीजों के कलेक्शन कर लेते हैं, उन सीड्स को बचा के रख लेते थे ताकि अगली बार फिर उनको क्या कर सके, सो कर सके, बो सके, जिससे कि क्या हो जाएंगे, अगले साल नए प्लांट को वो उगा सकते थे। बट टूडे दैट डजेंट वर्क, पर आज के समय में ऐसा वो काम नहीं करते। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, इसलिए एवरी सिंगल ईयर यानी कि हर साल हमें क्या करना पड़ता है, नए नए बीजों को खरीदना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई देट इज सो, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ प्रिजर्व द सीड सो देट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड द मनी। यहां पर आ जाएगा हमारा But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. पर आज जो है वर्तमान में वो पुराने बीज जो है वो काम नहीं करते हैं क्योंकि हमने उनको सही से प्रिजर्व नहीं किया, इसलिए हमें हर साल जो है वो क्या करनी पड़ती है, मनी स्पेंड करनी पड़ती है और नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई देट इज सो, मैं ये पता करने की ये पता करना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। I want to learn how to preserve seed, मैं ये सीखना चाहता हूँ कि बीजों को किससे सुरक्षित रखा जाता है, so that जिसके कारण we can use them again and not spend money every year, जिससे ये होगा कि हम हर साल जो है वो मनी खर्च करने से बच जाएंगे और वो सीड जो है हमारे जब हम प्रिजर्व करेंगे तो वापस वो हमारे नेक्स्ट क्रॉप के लिए क्या हो जाएंगे, काम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन जो था नासिर का था। नासिर जो है, एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, नासिर जो है वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, सीड कलेक्टर बनना चाहता है ताकि उसकी जो गांव में कॉटन फील्ड है ना, उसको वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। उसके पिताजी हर साल नए नए सीड्स को खरीदने के लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो नासिर ये सीखना चाहता है कि सीड्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है ताकि
ताकि उन्हें पैसा खर्च ना करना पड़े और वो उन्हीं सीट्स का यूज कर ले। अगला इंट्रोडक्शन हमारा जो आ रहा है, अगला इंट्रोडक्शन हमारा है रोहित, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और रोहित के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। रोहित कहता है, इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज यानी बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं बस केवल और केवल घूमता और यात्रा करता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता हूँ, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल उन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि ये जो है जब मैगजीन पिक्चर पर इनका कवर आता है तो ये बहुत ही आ, आ, अच्छे, बहुत शानदार और बहुत आनंददायी दिखाई देते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर, और ये सेल डाउन ये नहीं होता है नौका विहार करना, ये नहीं, वो कहता है कि मैं अमेजन रिवर में, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं जो है अमेजन रिवर में क्या करता, सेल डाउन यानी कि नौका विहार करता, नाव चलाता, इन अ साउथ अमेरिका ऑन अ ऑन द रिफ, लट्ठे की नाव पर मैं अमेजन रिवर के अंदर क्या करता, नौका विहार करता यानी कि नाव चलाता। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द ब्रांचेस ऑफ द लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और वो ये देखना चाहता है कि समुद्र के जो छोटे छोटे, मैं क्या करता, मैं अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं लक्षद्वीप जैसे बीचेस पर रहता और वहां पर तैरता और समुद्र के अंदर जाकर देखता कि छोटे छोटे जीव जो है किस प्रकार दिखाई देते हैं। कोरल ये नहीं होता है, छोटे छोटे जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं एट द बॉटम वो। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन द उड़ीसा में, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं कोणार्क मंदिर देखने जाता उड़ीसा में, और द ओल्ड सिटी इन द बीजिंग इन द चाइना, और बीजिंग को भी देखने जाता जो कि चाइना में, एंड द पिरामिड्स इन द इजिप्ट टू, और इजिप्ट के पिरामिड को भी देखने जाता। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय इज सींग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, परंतु जब मैं इन्हें क्या करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे नेचर जो है ये बहुत अच्छा लगता है, इसने यहाँ बताया है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, रोहित का, कि रोहित को क्या घूमना, रोहित सोचता है कि मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं क्या करता, मैं बहुत सारी जगह घूम कर आता और बहुत सारे में इंजॉय करता, उसे नेचर बहुत, नेचर से बहुत लगाव है। अगला इंट्रोडक्शन जो हमारा आ रहा है, अगला इंट्रोडक्शन है हमारा सरब, अगला इंट्रोडक्शन जो हमारा आ रहा है वो सरबजीत का आ रहा है। सरबजीत क्या कहता है, सरबजीत क्या कहते हैं, देखिए, वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज वेन पीपल डोंट बिलीव मी, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आता है कि जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। वेन आई एम टेलिंग ट्रूथ, जब मैं क्या बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सरबजीत कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी लोग मेरा पता नहीं क्यों विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सरबजीत कहता है, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, सरबजीत कहता है कि जैसा कि मान लीजिए कि मैं मेरे टीचर को कहता हूँ कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी बुक जो है वो कौन ले गया था, रवि ले गया था जो कि उसका फ्रेंड है, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और वो उसे देना भूल गया, तो उसके टीचर जो है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसे लगता है कि उसके टीचर क्या बोल रहे हैं, उसे झूठ। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, और वो बात कि जब मान लीजिए मेरे घर पे मैं रहता हूँ और मेरा भाई, छोटा भाई अगर लड़ाई स्टार्ट कर देता है तो भी मेरे पेरेंट्स मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा सरबजीत का कहना है कि मैं सच बोलता हूँ फिर भी लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। और इफ आई टेल माई, यहाँ आ जाएगा रवि, और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, मेरा दोस्त रवि जो है मेरी बुक ले गया था, अगर मैं ऐसा टीचर को कह दूं तो भी वो विश्वास नहीं करते हैं। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, मैं नहीं था, मेरा लिटिल ब्रदर था जिसने मुझसे लड़ना शुरू किया, तो भी वो विश्वास नहीं करते। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द लास्ट इवन फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बेड मार्क्स देन ऑल टुक एट मी अस इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज,
यानी कि अगर मैं टीचर से ये कह देता हूँ कि मैंने सचमुच में भी पढ़ाई की थी लेकिन मेरे मार्क्स उसके बाद भी अच्छे नहीं आए, तो भी वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये सब मुझ पर ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं वास्तविकता में झूठ बोल रहा हूँ। दे लुक ऑन देयर फेस रियली एंगर्स मी। तब वो जिस तरीके से मुझे देखते हैं तो उनका फेस सचमुच में मुझे बहुत गुस्से वाला दिखाई देता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड कुड नॉट एंड काउंट टू 10 सो देट आई डू नॉट शो देट आई एम एंग्री। तो कभी कभी जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं मेरी शूज की तरफ देख लेता हूँ और 10 तक गिनती गिनता हूँ, और मैं उनको ऐसा शो नहीं होने देता हूँ कि जैसे कि मुझे भी क्या आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। ये था सरबजीत। सरबजीत का कहना ये कि उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता है, वो चाहे कितना भी सच क्यों ना बोल ले। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डोलमा। इट्स नेम इज डोलमा एंड शी सेज दैट व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। इसकी इच्छा है कि ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। पीपल ऑलवेज लॉफ, हम लोग मुझ पर हमेशा हंसते हैं व्हेन आई से दैट, जब मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। बट आई एम श्योर दैट, पर मैं इस बात से श्योर हूँ दैट आई विल डू इट, मैं जरूर एक दिन ये करके दिखाऊंगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी, हर कोई मेरी क्लास में मुझसे पूछता है वॉट टू डू, क्या करना है, व्हेन देव हैव एनी प्रॉब्लम, जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्रॉब्लम को मैं ही सॉल्व करती हूँ। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी वेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल, और स्कूल में जब भी कुछ होता है तो यहाँ पर ट्रस्ट मी वेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल, जब स्कूल में कोई भी आवश्यक काम होता है तो टीचर सबसे पहले मुझसे कहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, मैं सब लोगों के लिए सब अच्छी चीज चाहती हूँ। I want us to have a good hospital and the road and the school. मैं ये चाहती हूँ कि सबके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रोड्स और अच्छे स्कूल बनाऊँ। I want to make sure that, मैं ये भी कहना चाहती हूँ that there are many good scientists in the India. हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है who will invent cure for the diseases, जो खतरनाक बीमारियों के लिए उपचार ढूंढेंगे, उपचार बनाएंगे, उपचार को विकसित करेंगे। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू द मार्स, और स्पेसशिप को कहाँ भेजेंगे, मार्स पर भेजेंगे। ठीक है, तो ये किसका इंट्रोडक्शन था, डोलमा का। डोलमा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, सभी के लिए अच्छा सोचती है और बहुत उसकी बहुत अपनी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है और वो सभी के लिए अच्छा चाहती है। अगला इंट्रोडक्शन हमारा आ रहा है पीटर का। देखिए पीटर, इन द केस ऑफ पीटर, पीटर क्या कहता है, माई फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ द एवरी मंथ, उसका हर मंथ का जो सेकंड संडे होता है वो फेवरेट है। ऑन दिस डे अवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। इस दिन हमारी वो इसलिए फेवरेट है क्योंकि इस दिन संडे को उसकी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर, हम बस पकड़ते हैं बस स्टॉप से। इन द इंटरवल माई फादर, और इंटरवल में मेरे फादर, और इंटरवल में मेरे फादर जो हैं वो खरीदते हैं, बाय ये नहीं होता है खरीदना, अस पीनट्स, हमारे लिए पीनट्स खरीद के लाते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, और मुझे उस फिल्म को देखते हुए वो जो डार्कनेस होती है हॉल के अंदर वो बहुत मुझे पसंद है। एंड ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और उसको बैठ कर, वहाँ पर बैठ कर मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है। आफ्टर वार्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और इसके बाद हम जो है आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। एवरी वन इज इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लक्की दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, और सब सब जितने भी लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास एक अच्छा सुखद और हंसमुख परिवार है। ये हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है बाकी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हमारा वर्किंग विद टेक्स्ट में 3 क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहला, पीटर फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे, बिकॉज हमें यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि वाई द संडे इज फेवरेट फॉर द पीटर, कि पीटर के लिए संडे फेवरेट क्यों था, क्योंकि हमने पढ़ा है सिनेमा हॉल देखने के लिए जाते थे, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिर वांट्स टू लर्न टू हाउ टू प्रिजर्व सीट, और डोलमा जो है वो बिलीव करती थी कि वो क्या बनेगी, थर्ड क्वेश्चन फॉर द डोलमा कि वो एक दिन क्या बनेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो इसके क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है।